आज है मेरा बर्थडे, सो हम लोग सुबह के 11 बजे निकल चुके हैं। हमारी 12 बजे की बुकिंग है B4 में, बारबेक्यू नेशन है यहाँ पे, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस मैंने अभी शूज नहीं पहने, मैं B4 जा रहे हैं। ये गोमती नगर पे है हनीमून चौराहा। मैं आपको बताऊंगी कि कितना इनका प्लेट का कॉस्टिंग है, क्या क्या खाने को मिलता है, सो देखते हैं कैसा होता है इनका। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मैं आपसे सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। जब रास्ते में भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए गोवा कट कर लिया था, सो इसे मैं खाते हुए जा रही हूँ। हमें 10 मिनट लगेगा, सो लेट्स गो। सो हम लोग आ गए हैं हनीमून चौराहा। जो भी लखनऊ में है उनको पता होगा ये, सो यहीं पे ही है B4। यहाँ से आप देख सकते हैं बारबेक्यू बुफे, इसी में ही हम जाएंगे। सो यहाँ पे हमने पार्किंग लगा दी है, यहाँ पे इनके पास पार्किंग का काफ़ी स्पेस है, एंड यहाँ स्टेयर्स हैं। सो काफ़ी स्पेशियस लग रहा है, काफ़ी सुंदर है, और इस स्लॉट में आई थिंक हम ही फर्स्ट हैं जिन्होंने एंट्री की है, बट मुझे इनका सेटअप बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। सो हमने इनका बूफे चूज़ किया। सबसे पहले इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिया है जो रसना टाइप का था थोड़ा। सो जो फर्स्ट इनका स्टार्टर था वो कॉर्न था, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी था, सो ये हमने बहुत अच्छे से खाया है। सो काफ़ी अच्छा लगा। इनका जो चटनी थी वो भी अच्छा था, काफ़ी गर्म और अच्छा था कॉर्न का टेस्ट। फिर हमें इन्होंने सर्व किया चिली पटैटो, जो हनी चिली पटैटो थे। इनका हनी चिली पटैटो भी बहुत टेस्टी था, और इसके बाद इन्होंने पनीर का एक डिश दिया, वो भी काफ़ी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा पसंद आया, कुछ आलू का रोल टाइप का था काफ़ी। वैसे तो स्टार्टर से काफ़ी पेट भर चुका था, बट अपने पैसे वसूलने थे बुफे के, सो हमने ट्राई किया इनके गोलगप्पे और चाट। सो काफ़ी अच्छा है, इन्होंने पानी रखा हुआ है, आलू रखी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चटनी रखी हुई है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको मीठा चाहिए तीखा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप अपना गोलगप्पा बना सकते हैं। सो मैंने बहुत प्रॉपरली अपना गोलगप्पा बनाया सारे मसाले डाल के, सो और इनका पानी काफ़ी अच्छा है, चटनी का टेस्ट भी अच्छा है, सो इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है बट अच्छा। गोलगप्पे चाट काउंटर के बाद हम लोग गए इनका मेन कोर्स देखने। इनके पास बहुत ही अच्छी सैलेड की वैरायटी थी, पास्ता था। सो वेस्ट ना करते हुए मैंने इनका थोड़ा थोड़ा सैलेड ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था। सो मेन कोर्स में मैंने इनका पनीर लिया, चाउमीन, मंचूरियन, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था, सो मैंने थोड़ा ही लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। काफ़ी वैरायटी थी इनके। मुझे इनका ये बहुत सही लगा, रोटी इन्होंने गरम गरम सर्व की है। आप पहले अपना मेन कोर्स ले लो, फिर इनको ऑर्डर दे दो आपको कौन सी रोटी खानी है, मिस्सी रोटी, बटर नान, जो भी खाना है आपको। सो मेन कोर्स के बाद हम गए इनके स्वीट सेक्शन पे, तो बहुत तरीके की पेस्ट्रीज थी। स्वीट मुझे इनका ओके लगा, स्टिल मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। स्वीट्स में भी इनके पास काफ़ी 6-7 वेराइटीज़ हैं, जो भी आप बुफे चूज़ करते हो उस अकॉर्डिंगली। सो हमने फाइनली मैंने अपना मील काफ़ी इन्जॉय किया, और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज़ ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और ये हमें अराउंड 1300 का पड़ा है विद GST एंड ऑल। और मैंने अपने बर्थडे का एंड किया जो स्ट्रीट डॉग है उनको बिस्किट खिलाकर, इसके बाद क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, सो हमने प्रॉपर लंच इन्जॉय किया, उसके बाद घर आके बिस्किट खिलाएं। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।